हम आपको अपडेट देने जा रहे हैं पटना में बन रहे एयरपोर्ट जिसके न्यू टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है और अभी हम एयरपोर्ट वाले रास्ते में चले दिखाते हैं क्या उसका वर्क प्रोग्रेस है। पटना एयरपोर्ट हवाई अड्डा का ये बोर्ड है और ये इधर देख सकते हैं इसका मेन रोड है। इसका एक द्वार इस तरफ है, ये देख सकते हैं जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय विमानपट्टनम पटना, और यहाँ पर उसके नए टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है। ये देख सकते हैं ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पहले से अप हुआ दिख रहा है। इधर से भी हम आपको दिखाते हैं, फिर अंदर से भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं ये नए बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपकमिंग न्यू टर्मिनल बिल्डिंग एट पटना, जिसका आकार इस तरह से होगा। ये देख सकते हैं ये बिल्डिंग का इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, काफ़ी सुंदर इंटरनेशनल डिपार्चर भी होगा इसमें। और ये देख सकते हैं एलिवेटेड गाड़ियों के लिए एलिवेटेड बनाया गया है। पटना जो बस स्टैंड बना है वहाँ भी उसी तरह का एलिवेटेड बनाया गया है और यहाँ भी इसी प्रकार से एलिवेटेड बनाया गया है। ये देख सकते हैं एक ऊपर और एक नीचे, ये दो मार्ग होगा जो जाएगा इस तरह से। यहाँ का इंटरनल पार्ट भी इसमें दिखाया जाएगा, इस तरह का ये होगा, ये देख सकते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस है और यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले वीडियो में इसमें आना संभव नहीं था, लेकिन अभी इधर से जा सकते हैं। इंटरनल पार्ट हम आपको थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं, ये देख सकते हैं ये अंदर का हिस्सा है जो बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये पार्किंग देख सकते हैं, ये अंदर का पार्ट है। अंदर का पार्ट हम फर्स्ट टाइम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें फायर के लिए ये व्यवस्था किया जा रहा है, सेफ्टी के लिए पेंट किया जा रहा है और यहाँ पर मटेरियल रखा हुआ है, ये दिखा रहे हैं हम आपको। NCC इसका निर्माण कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर है NCC। जो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे थे वो आपको यहाँ दिखा रहे हैं। पार्किंग की व्यवस्था होगी और ये देख सकते हैं ये नीचे चला जाएगा, नीचे का पार्किंग है, ये नीचे का पार्किंग है और ठीक इसके ऊपर भी पार्किंग है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले अपडेट में संभव नहीं था यहाँ अंदर आकर के अपडेट देना, लेकिन इस बार देख सकते हैं ये पूरा है और हम चाहें तो ऊपर तक जा सकते हैं। देख सकते हैं पूरा एलिवेटेड सामने जो है तस्वीर जो है वो गाड़ियों के लिए, गाड़ियों की पार्किंग के लिए व्यवस्था किया गया है। ये देख सकते हैं ये पूरा नीचे से अगर देखा जाए, यहाँ से शुरू होता है नीचे से, और ये देखिए ये इस तरह से ऊपर चला जाएगा। अब सब में पार्किंग की व्यवस्था है, ये देख सकते हैं। ये नीचे से चला जाएगा पार्किंग और इधर बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं इधर भी काम चल रहा है। पहले दूर से ही वो जो ब्लू वाला था वहीं से आपको हम दिखाते थे तस्वीर यहाँ की पटना एयरपोर्ट की, लेकिन अब हम यहाँ से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है पटना एयरपोर्ट। तो ये मल्टी स्टोरेज पार्किंग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं G+5 है और ये स्ट्रक्चर बनकर तैयार है, और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है दिसंबर तक ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सामने क्वार्टर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ऑफिसर और जो भी कर्मचारी होंगे, चार ब्लॉक G+6 क्वार्टर का हाइट है, क्वार्टर की हाइट है, ये देख सकते हैं।
तो एक तरफ क्वार्टर है, दूसरी तरफ पे ये मल्टी लेवल मल्टी स्टोरेज पार्किंग की व्यवस्था है। तो ये है क्वार्टर, चार ब्लॉक और जी प्लस सिक्स इसकी हाइट होगी, और उस तरफ मल्टी स्टोरेज पार्किंग तो आपने देखी है। तो यही है अपडेट, ये जल्द ही कंप्लीट होगा, फिनिशिंग वर्क बाकी है और भी काम बाकी है, ये देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको एयरपोर्ट का अपडेट अच्छा लगा होगा, इसका डेवलपमेंट देख करके आपका भी मन प्रसन्न हो गया होगा, मेरा भी मन प्रसन्न हो गया है। इसका काम देख करके, काम काफ़ी तेज़ी से हुआ है इधर कुछ दिनों में, और जिसका परिणाम आपके सामने है, बिल्डिंगें खड़ी है और अपने स्वरूप में धीरे धीरे आ रही है। हैंगर भी एक कंप्लीट हो गया है जहाँ तक हमें जानकारी मिली। हम आपको लगातार बिहार के बारे में, बिहार के विकास के बारे में, बिहार में हो रहे कामों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। बिहार के विकास की तस्वीर आप तक पहुंचती रहे, उसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा सब्सक्राइब करने के बाद। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इंद्रसेन का प्यार नमस्कार, जय भारत, जय बिहार।